फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया के स्वाद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यम्मी सी रेसिपी जो है आलू चीज बॉल्स। तो उसके लिए मैंने लिया है 6 आलू जिसे मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया है और हम इसे मैश करेंगे। फ्रेंड्स, आलू को उबालने के टाइम पे मैंने उसमें नमक डाल दिया था और हम इसे फोक की मदद से मैश कर देंगे। आप चाहे तो मैशर की मदद से या हाथ से भी मैश कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, आप चाट मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया और जीरा जिसे मैंने भून के फिर उसे दरदरा सा पीस लिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ओरिगैनो। फिर इसमें डालूंगी 1/2 कप चावल का आटा जो इसे एक बहुत ही क्रिस्पी सा टेक्सचर देगा। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें रेड चिल्ली फ्लेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आपको वो पसंद है। आप हरी मिर्च को हटा के वो यूज़ कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम जब आलू को हम उबाल लेते हैं, हम स्ट्रेनर में थोड़ा सा उसे छान लीजिएगा तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और फिर इसे मैश कीजिएगा। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, एक छोटे से हिस्से को लेके इसका एक बॉल बनाएंगे और फिर हम इसे उंगली की मदद से इसमें छोटा सा छेद करेंगे और इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड चीज़। तो मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल किया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है और फोक की मदद से हम इसमें इसकी स्टफिंग करेंगे। आप चाहे तो मोजरेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्मेजान चीज़ का, जो चीज़ आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। और हम इसे अब क्लोज करके इसे बॉल का शेप देंगे। बहुत ध्यान से फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है ये जो इसका बैटर होता है, उसको ध्यान से करना है। और आप देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से बॉल्स बना लिए हैं। तो इतने से बैटर से टोटल 12 से 13 बॉल्स बन जाते हैं। फिर मैंने उधर एक छोटी कढ़ाई में मैंने घी लिया है और हम इसे अब डीप फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो तेल में भी तल सकते हैं और सेकेंड आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलिएगा। फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं, पहले एक चीज़ बॉईल को ही डीप फ्राई करके देखिएगा कि अगर वो बिखर रहा है कि नहीं, तो नहीं तो पूरा घी या तेल ख़राब हो जाएगा। अगर वो बिखर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, और चावल का आटा ऐड कर सकते हैं। अगर आप परफेक्ट है तो बाकी के सारे चीज़ बॉल डाल के आप उसे डीप फ्राई कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने छोटे पैन का इस्तेमाल किया है ताकि घी और तेल की खपत भी कम हो और सेकेंडली बहुत हमें आसानी हो तलने के लिए। फ्रेंड्स, जब आप इसे पलटिएगा तो एक फोक की मदद से पलटिएगा, क्योंकि बहुत डेलिकेट होते हैं। आप कच्ची की मदद से करेंगे तो उसके टूटने के चांसेस होते हैं। तो मैंने इसी तरीके से सारे जो बॉल्स है उसे यूं ही तल लिया है पलट पलट के। और फिर हम एक प्लेट में क्या करेंगे, टिश्यू को बिछा के बॉल्स को रख लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा घी या तेल ऊपर ड्रेन आउट हो जाए। और बस हमारी ये डिश रेडी है। और आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, केचप के साथ, मेयो के साथ या गर्मा गर्म चाय के साथ। एक परफेक्ट रेसिपी है मॉनसून के लिए, बारिश में एंजॉय करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाइएगा, खिलाइएगा और मुझे बताइएगा पर रेसिपी कैसे लगे, पर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।